चुनावी हलचल प्रोग्राम के तहत गल करांगे दिग्गज कांग्रेसी आगू महिंदर सिंह केपी दी, जिन्हां बाबत खबरां सामने आ रही ने कि वह भाजपा विच शामिल हो के तीन हलकियां दे विच कांग्रेस का भारी नुकसान कर सकते ने। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार साबका मंत्री ते कैबिनेट रैंक मंत्री महिंदर सिंह केपी नू कांग्रेस पार्टी वालों भावें किसी भी हलके तो बतौर उम्मीदवार चोन मैदान दे विच नहीं उतारिया गया अते ना ही अजे तक महिंदर सिंह केपी वालों अपने सियासी पत्ते खोले गए ने, परंतु उन्होंने भाजपा विच जान ते किसी ना किसी हलके चोन लड़न दीआं चर्चावां ने कांग्रेस पार्टी नू एक बार फिर तो सोचण लई मजबूर कर दिता है, क्योंकि महिंदर सिंह केपी भावें बीतियां विधानसभा चोणां दे विच जीत प्राप्त नहीं कर सके, परंतु उन्हां दा घर शौनी हलके विच होण ते किसे समय वह पछमी हलके तो विधायक रहन ते हलका आदमपुर दे विच बीते 5 सालां तो लोकां दे लगातार संपर्क विच रहन कारण वह हलका आदमपुर, हलका जलंधर कैंट ते हलका जलंधर पछमी दे विच कांग्रेसी पार्टी दे वोट बैंक दा वड्डा नुकसान कर सकते ने, जिस नाल इन्हां तिन्नां हलकियां दे विच खड़े होण वाले कांग्रेसी उम्मीदवारां नूं नुकसान सहना पै सकदा है। प्रोसयोग सूत्रां तों मिली जानकारी अनुसार टिकट ना मिलन कारण कांग्रेस हाईकमान तों नाराज चल रहे महिंदर सिंह केपी छोनी हलके तों भी चोण लड़ के सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह नूं खुल के चुनौती दे सकते ने, क्योंकि चर्चा यह है कि करीब 20 दिन पहला ही कांग्रेस पार्टी विच शामिल होए सुखविंदर कोटली नूं हलका आदमपुर तो टिकट दवाउण दे विच पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ते सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह दा वड्डा हाथ है, जिस कारण महिंदर सिंह केपी भारतीय जनता पार्टी विच शामिल हो के विधायक प्रगट सिंह दे वोट बैंक दे विच वड्डी सेंधमारी कर सकते ने। इसका मुख्य कारण यह भी दसिया जा रहा है कि महिंदर सिंह केपी छोनी हलके दे विच ही रहिंदे ने ते उन्हां दा छोनी हलके दे अधीन आउंदे पेंडू ते शहरी खेतरां दे विच रहण वाले कई कांग्रेसी आगुआं ते वर्करां ते अज भी बहुत वड्डा प्रभाव है, जिस नाल ओह विधायक प्रगट सिंह दी जीत दा राह होर भी औखा कर सकते ने। उधर तीन हलकियां दे विच प्रभाव रखण वाले महिंदर सिंह केपी दी नाराजगी दा भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक हलके तो टिकट दे के पूरी तरह फायदा लैंदे होए कांग्रेस पार्टी दे वोट बैंक नूं ढाल आ सकती है। भावें भारतीय जनता पार्टी वालों सूबे दे किसी भी हलके तो अपने उम्मीदवार दा ऐलान नहीं किया गया, ते जेकर भारतीय जनता पार्टी केपी नूं छोनी हलके जां आदमपुर तो टिकट दे के बतौर उम्मीदवार मैदान दे विच उतारदी है तां उस नाल प्रगट सिंह, सुखविंदर कोटली समेत सुशील रिंकू दे वोट बैंक दा भी भारी नुकसान हो सकता है। छोनी हलके तो चोन लड़न अते भाजपा विच शामिल होने संबंधी जदों महिंदर सिंह केपी दे नाल गलबात की गई तां उन्हां कहा कि भावें अजे कांग्रेस पार्टी वालों उन्हां नूं किसे भी हलके तो बतौर उम्मीदवार नहीं ऐलानिया गया, परंतु पार्टी वालों अपने फैसले नूं दुरुस्त करन संबंधी एक दिन का समा मंगिया गया ते जेकर फिर भी कोई हल नहीं निकलता तां उह अपने साथियों दे नाल सलाह करके हलका जलंधर कैंट, आदमपुर जां पछमी हलके विचों किसी एक हलके तो जरूर चोन लड़नगे। उन्होंने कहा कि यह तो तय है कि वह चोन जरूर लड़नगे। सो दिग्गज कांग्रेसी आगू महिंदर सिंह केपी दे अजिहे तलख तेवर कांग्रेस दे लई किसी वड्डी अनहोनी वाल इशारा कर रहे ने। इस संबंधी हर अपडेट दे लई तुसी वेखते रहो अजीत वैब टीवी। धन्यवाद। ओ की सवेर दे खेडी जांदे हो तुसी, ओ बस करो पढ़ भी लाओ हुण। यस चीटर 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 झूठा की था दा एमए चीटिंग करके जीतता रहंदा। सो मैनू मैं कोई चीटिंग नहीं कीती। ओ आता झूठियां कसमा खाई जांदा है। धोखेबाज किस था दा पाप लगू पाप। ओ कप्पू तू एवे इंडिया झूठियां सोम क्यों खाई जाना। मैं सो खादी ता तहनू इन्नी पीड़ होगी। आ सरकार ने इन्नी सोहा खादियां वादे कीते उना दा की कहा सी घर घर रोजगार मिलूगा दितियां घर घर नौकरियां। मेरा वीरा हुड़ भी धक्के खांदा नाले नशे करदा। नशा खत्म करन दी भी तो सौ खादी सी इन्हां ने। किसानां दे कर्जे माफ करन दी सौ हो गए सब दे सारे कर्जे माफ। बापू दे तां खेत भी बैंक वाले लै गए। इस कांग्रेस सरकार तो क्यों नहीं जवाब मांगदे।